नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ दीप द्विवेदी। महेंद्रगढ़ के अटेली रोड पर स्थित एक राव जयराम स्कूल में वीरवार से सीबीएसई की 4 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की जो है यहां पर लड़कियों के अंडर 19 खो खो प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जहां पर प्रतियोगिता का पहला मुकाबला हरियाणा के एमआर झज्जर व चित्रकूट बेंगलोर की टीमों के बीच हुआ। बेंगलोर ने झज्जर की टीम को 1 पारी व 8 पॉइंट से जो है एक तरफ मात दी है, एक तरफा। वहीं दूसरे मुकाबले की अगर हम बात करें तो देहरादून व केरला टीमों के बीच हुआ है, जिसमें केरला की टीम ने देहरादून को 1 पॉइंट से हराया है। महेंद्रगढ़ जिला राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता की जो मेज़बानी है कर रही थी, और प्रतियोगिता में सऊदी अरब, अमीरात, ओमान, यूएई की टीमें भाग ले रही हैं। वीरवार को स्कूल प्रांगण में 11 बजे बतौर मुख्य अतिथि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव ने विभिन्न प्रदेशों से पहुंचे टीम खिलाड़ियों के मार्च पास्ट की सलामी ली, और मुख्य अतिथि व पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने ध्वजारोहण करके प्रतियोगिता का शुभारंभ किया, और विभिन्न प्रदेश से पहुंची टीमों ने जो है अपने ध्वज के साथ मुख्य अतिथि को मार्च पास्ट की सलामी दी। देश भर से 40 टीमें भाग, 500 खिलाड़ी एवं उनके प्रशिक्षक भाग ले रहे हैं। खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट की सलामी के बाद अपने प्रदेश के ध्वजों के साथ खेल को खेल भावना से जो है खेलने की शपथ ली। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की खेली नीति के कारण जो है आज पूरे प्रदेश के खिलाड़ी विश्व भर में अपनी प्रतिभा के दम पर प्रदेश व देश का गौरव बढ़ा रहे हैं।